मराठी समाजशास्त्र परिषद का 30वां राष्ट्रीय अधिवेशन 23 और 24 जनवरी को अमरावती स्थित तक्षशिला कॉलेज में लिया जाएगा, ऐसी जानकारी पत्र परिषद में डॉक्टर सरोज आगलावे इन्होंने दी है। भारत में समाजशास्त्र अध्ययन की शुरुआत सन 1919 में मुंबई यूनिवर्सिटी में हुई थी। भारत के समाजशास्त्र को लगभग 100 साल पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष में 30वां राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम अमरावती के दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित तक्षशिला कॉलेज में तारीख 23 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2020 को सम्पन्न होगा, ऐसी जानकारी मराठी समाजशास्त्र परिषद के पदाधिकारी इन्होंने INBCN समक्ष दी है। 30वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो है अमरावती में होने जा रहा है समाजशास्त्र विभाग की ओर से, जहाँ पे तमाम ऐसे लोग वहाँ पे आने वाले, अलग अलग विषयों को लेकर आने वाले, और ये तमाम लोग जो है यही वो आयोजक है जो बहुत बड़ा प्रोग्राम यानी 30वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो है अमरावती में करने जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ में आगलावे सरोज, डॉक्टर सरोज आगलावे मैडम है, उनसे जाना चाहेंगे। मैम ये बताइए कि ये जो प्रोग्राम करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? मैं डॉक्टर सरोज आगलावे मराठी समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ हमारे सचिव है डॉक्टर दीपक पवार सर, कोषाध्यक्ष है डॉक्टर भगत सर, और जिस कॉलेज को हमने ये परिषद दी है, अधिवेशन दिया है, राष्ट्रीय अधिवेशन, तो उस कॉलेज की हमारी पूरी टीम है, मैडम है, विभाग प्रमुख है, प्राचार्य सर है, संस्था का सचिव सर है, तो ये सब हमारे साथ में। आगलावे सर की मदद हमें विशेषता मिलती है, आगलावे सर भी हमारे साथ में है, तो हमारा ये 23 और 24 तारीख को हमारी ये परिषद होने जा रही है अमरावती के तक्षशिला विश्व कॉलेज में। तो उद्देश्य हमारा यह है कि हर साल हम यह परिषद आयोजित करते हैं, किसी न किसी कॉलेज को हम ये परिषद देते हैं, और वो अलग अलग टॉपिक पे, अभी समाजशास्त्र से संबंधित जो जो कोई प्रॉब्लम है उस पे, या जो नए प्रॉब्लम आ रहे हैं सामने उस पे, ऐसे अलग अलग थीम पे हम यानी ये राष्ट्रीय अधिवेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हमारा अधिवेशन तो 2 दिन का है, वैसे 23 और 24 तारीख को हमारा होने वाला है। मैडम आप क्या बताओगे, जिस प्रकार से आज जो समाजशास्त्र के जो शास्त्रज्ञ लोग हैं, जो साइंटिस्ट है, क्या कठिनाइयाँ आती है उन्हें, क्या किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जो सोशल प्रॉब्लम्स है, वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाइल्ड लेबर के प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम में जहाँ हम डाटा कलेक्शन के लिए जाते हैं, तो डायरेक्ट वहाँ जाते समय जो समस्या के प्रति हम ढूंढना चाहते हैं सत्य, वो सत्य बाहर लाने में एक रिसर्चर के रूप में हमें बहुत समस्याएं होती है, क्योंकि रिस्पांस लोगों का नहीं मिलता है, जिसे हम कहते हैं उत्तरदाते, तो वो जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनसे हमें ज़्यादा नहीं मिलता है पॉजिटिव रिस्पांस। इसलिए जो निकलना चाहिए, जो हमें फाइंडिंग्स मिलते हैं, वो फाइंडिंग्स हम अपने रिपोर्ट में लिख के गवर्नमेंट को भेजते हैं, तो सत्य ही बाहर नहीं आता, तो क्या सूचनाएँ भेजे गवर्नमेंट को? और उसकी और सबसे बड़ी एक न्यूनता है उसमें कि जो हम रिसर्च करते हैं, जैसे मैंने एक MRP किया है, कॉमन टॉयलेट प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, पब्लिक टॉयलेट प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़ा है, तो उसका मैंने रिपोर्ट लिखा है, गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट भी दी थी UGC ने, लेकिन वो उसका इम्प्लीमेंटेशन ये हुआ कि वो सब जो किताब मैंने लिखी, जो रिपोर्ट लिखा 150 पेजेस का, वो एक लाइब्रेरी में पड़ा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? ये सबसे बहुत बड़ा चैलेंज है एक सोशल रिसर्चर के लिए। कहाँ पड़ा है वो? एक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में कॉपी देते हैं, एक पूना के लाइब्रेरी में देते हैं, एक महानगर पालिका को भी दी थी मैंने, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन, जिस तौर से मैंने सूचनाएं लिखी थी उस पर गवर्नमेंट ने कुछ इम्प्लीमेंटेशन मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। बिल्कुल, और इस प्रकार का यदि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो ऐसे जो शहर के जो उम्दा जो सोशल जो सामाजिक कार्यकर्ता है, अगर ये कुछ अपने आप में अच्छा करना चाहते, समाज के लिए कुछ करना चाहते, मगर अफसोस के आए दिन जिस प्रकार से राज्य सरकार का अड़ियल रवैया, यूनिवर्सिटी का अपना एक प्रशासन का एक अड़ियल रवैया, इसमें से उनसे उनको बाहर निकलना होगा, तब कहीं जाकर ऐसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है जो दिन रात एक करते हुए इस काम पर जुटे हुए, एक मुहिम हाथ में जो उन्होंने ली, अगर उसको पूरा करना है तो सरकार ने भी पूरी तरह से सहयोग करना होगा, यही समय की मांग है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, INBCN न्यूज़, नागपुर।